ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 6 जनवरी 2021, वेनसडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और निफ्टी इंडेक्स नए साल में भी नए रिकॉर्ड हाई लेवल्स लगा रहा है। निफ्टी इंडेक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ पर भी एक करेक्शन मिल रहा है, एक डिप मिल रहा है, बुल्स उतने ही तेजी से मार्केट में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका है। यहाँ पर इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स पास्ट में कभी नहीं आया था। सबसे पहली बार निफ्टी इंडेक्स 14,200 का लेवल कल निफ्टी ने टच किया। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो कल का ये पिक्चर है, यानी 5 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो आपको अगर देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,148 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,067। कल एक पैटर्न बनाया था निफ्टी इंडेक्स ने, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक हमने कल के वीडियो में देखा था, लेकिन हमें जो कन्फर्मेशन चाहिए था वो नहीं मिला। निफ्टी इंडेक्स एक डीप के साथ जरूर ओपन हुआ, लेकिन सपोर्ट टेस्ट करके जबरदस्त बाउंस बैक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। तो कन्फर्मेशन नहीं मिला, यानी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल था वो फेल हो चुका था। कल जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, जस्ट ऊपर गया, ऊपर के मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करके फिर से एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ आया। एग्जैक्ट यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फर्स्ट टारगेट का लेवल मार्क किया था 14,053, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट टेस्ट किया। अचीव होने के बाद जैसे ही यहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला, निफ्टी इंडेक्स ने पेनेट्रेट किया ब्रेकआउट लेवल को, फेल हुआ ब्रेक करने के लिए, नीचे आया, 100 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ और फर्स्ट टारगेट 14,168 अचीव हुआ। उसके बाद सेकेंड टारगेट भी 14,186 ये यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडेक में 120 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स कुछ अच्छा खासा कर नहीं पा रहे, लास्ट 2 मंथ से देख रहे हम एक चॉपीनेस इन यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार देखें तो SGX निफ्टी फ्लैट नोट के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। वेनसडे को मोस्टली वेनसडे को एक फर्स्ट सेशन में ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, चॉपीनेस होता है, एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलता है स्पेशली वेनसडे को फर्स्ट सेशन। और जापानीज इंडेक्स निफ्टी 39 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। US डाउ फ्यूचर देखे तो अभी फिलहाल जो ये जनवरी का फर्स्ट दिन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 जनवरी का कैंडल है। पहले ही दिन यहाँ पर एक करेक्शन आया और उसके बाद डाउ फ्यूचर में तो नए हाइस क्रिएट नहीं हुए, लेकिन इंडियन मार्केट्स देखे तो ज़बरदस्त बुलिशनेस दिखा रहे। तो यहाँ पर US मार्केट में थोड़ा सा एक करेक्शन का मूड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट में कल हमने यहाँ पर देखा था ये जो ये कैंडल है, हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना, लेकिन इसका लो यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये जो लो है ये ब्रेक नहीं कर पाया, कन्फर्मेशन चाहिए था। अगर ये कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल जाता, रेड कैंडल बन जाती थी, तो यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कन्फर्मेशन के साथ हमें मिलता था। लेकिन फिर से एक बार ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, तो पास्ट में भी देखा हमने हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बन रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, सिग्नल ये दे रहा है लेकिन सिग्नल फेल्योर हो रहा है। नेक्स्ट डे ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है और हाई ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर अभी 100% के लेवल अचीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट 14,350 के आसपास दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहता है
तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल 14,350 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। आरएसआई देखे तो एक्सट्रीम बुलिश है, 7200 के ये जो ओवरबॉट जोन माना जाता है इसमें ये ट्रेंड कर रहा है। लास्ट स्विंग हाई इसने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन प्राइस एक्शन ने स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो आरएसआई यहाँ पर फेवर में नहीं है फिलहाल, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन 7200 ये ओवरबॉट जोन में ये जरूर ट्रेंड कर रहा है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी इसमें ये जो लास्ट स्विंग हाई लो मिला है ये अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका है, यानी इस लेवल में पहले कभी इंडेक्स को देखा नहीं गया था। तो अगर आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करना है तो स्विंग हाई लो को पकड़ के हम फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू ये लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो 60 मिनट के चार्ट में जो स्विंग हाई लो मिल रहा है उसको पकड़ के अगर ड्रॉ करें तो 100% का लेवल कल ऑलमोस्ट अचीव हो गया, ऑलमोस्ट इसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो अभी 100 लेवल के आगे अगर रेजिस्टेंस का लेवल देखें तो 14,261 का आ रहा है, जहां पर आज R1 का पिवट पॉइंट का लेवल भी आ रहा है। तो 123.6 होगा नेक्स्ट हर्डल निफ्टी इंडेक्स के लिए एज पर 60 मिनट का ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है, इसके हिसाब से होगा वो 14,260 का लेवल, और उसके बाद 138.2 यानी 14,300 के पास ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी हर्डल फेस कर सकता है। तो आज के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा कल का ये जो हाई बनाया है निफ्टी इंडेक्स ने, अराउंड 14,216 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 14,230, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,245, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो R1 के लेवल के ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तभी इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज ये जब नीचे आके फिर से ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनाना सही साबित होगा, और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो पिवट पॉइंट को ब्रेक होने दीजिए, ये जो पिवट पॉइंट है यानी अराउंड 14,154 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा 14,138, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,124, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।